गाइस वेलकम टू टेक विद कार्तिक यूट्यूब चैनल। सो आज के लिए वीडियो में टाउन हॉल 10 की पुशिंग आर्मी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि गाइस आज मैं हुआ हंटर्स क्लैन के अंदर। इस क्लैन के बारे में आप तो यार जानते ही होंगे, टाउन हॉल 10 का वन ऑफ द बेस्ट पुशिंग क्लैन है इंडिया का। इंडिया में पहले ऐसा क्लैन बना है अब तक जो कि टाउन हॉल 10 का एंड पुशिंग क्लैन है। सर इसकी आपको कुछ रिप्लेस वगैरह दिखाने वाला हूँ कुछ बंदों के। सर अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंड बेल आइकन को जरूर से दबा देना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलो यार वाली वीडियो को भी शुरू करते हैं एक बार। सर हमारे पहले क्लैन पर नजर मार लेते हैं। इस क्लैन के बारे में आप तो जानते ही होंगे, टाउन हॉल 10 के सारे लेजेंड के हैं ऑलमोस्ट, एंड कुछ टाइटन के होंगे वो सब यार इसमें टाउन हॉल 10 का। एंड भाई यार लीडर की प्रोफाइल देख लेते हैं, प्रिंस खुश नाम है भाई का। एंड प्रोफाइल देखे तो यार 5700 प्लस है इनका बेस्ट, नीचे देख सकते हो दिसंबर में लिखा हुआ है। एंड अभी इनकी 5600 से ऊपर ट्रॉफी है, जो कि यार बहुत मुश्किल है टाउन हॉल 10 से लेजेंड करना है, इतनी ट्रॉफी करना 5600 से ऊपर। भाई मैंने भी कोशिश करी थी बट मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग मिल रही है टाइटन में ही। एंड लेजेंड में तो यार पता नहीं कितने घंटों की क्लाउडिंग मिलती होगी। अगर यार आप भी सोच रहे हो टाउन हॉल 10 से पुशिंग करना, सो यार आप लोग पहले टाउन हॉल 10 की ऐसी आर्मी यूज़ करना जिससे आप टाउन हॉल 10 किसी भी टाउन हॉल 10 पर इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने जेंट वॉविच आर्मी यूज़ करी थी जब तक टाइटन तक नहीं गया था, आप टाइटन तक चले जाओ उसके बाद बेबीलोन आर्मी यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। सो यार यहाँ पर खुश भाई ने अपना रिप्ले शेयर कर दिया है, जो कि 2 स्टार कर रहे हैं टाउन हॉल 12 पे, एंड 12 ट्रॉफी मिली है जो कि लेजेंड पे बहुत होती है। सो यार इस वाली आर्मी आपको करना क्या होता है, पहले ग्राउंड अटैक करना है अगर आपको 2 स्टार निकालने हैं। अगर आप 2 स्टार श्योर हो तो आप पहले ग्राउंड अटैक करना वरना एयर करना। सो भाई ने यहाँ पर 3 वेव ड्रैगन से फनल स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे ग्राउंड के ट्रूप्स जो भी सारे अंदर चले जाएँ जिससे टाउन हॉल तक आ जाए। एंड स्पेल्स वगैरह देख सकते हो ये डिफेंस के लिए होती हैं। पहले यहाँ पर सीज मशीन छोड़ी एंड वेव ड्रैगन उसके पीछे से हैं, जिससे फनल क्रिएट हो रही है। एंड पीछे से हीरोज डाल दिए एंड बॉलर्स डाल दिए, बॉलर्स यार कोर में जाने चाहिए। एंड सीज मशीन के अंदर भी आपको जाइंट्स लेने हैं, जिससे टाउन हॉल होता है उसको निकाल लेंगे, क्योंकि टाउन हॉल 10 में गीगा टेस्ला होता है तो जाइंट्स इसको ईजिली निकाल सकते हैं। एंड यार बॉलर सीसी में मत लेना, क्योंकि अगर डबल जाइंट वो निकल गया तो भाई बॉलर सारे गायब हो सकते हैं, जाइंट्स तो रहते हैं। एंड यार यहाँ पर एक अर्थ को एक गल के टाउन हॉल को एक्टिवेट कर दिया, जिससे अपने इसके अंदर का जो गीगा टेस्ला निकल जाए एंड जाइंट इसके अंदर चले जाएँ, वरना जाइंट भटक सकते थे। एंड सीसी में से बॉलर्स आ चुके हैं एनिमी के सीसी डिफेंस में से। एंड यहाँ पर यार एक रेज स्पेल तुरंत डाल देनी है, जैसे तुरंत जाइंट निकले सीसी के अपनी सीज मशीन खुले तुरंत जाइंट एक रेज डाल देनी है जाइंट्स के ऊपर। एंड यार अब बात रहेगी बेबीलोन की, 1 स्टार तो इससे नहीं आ पाया, अभी थोड़ी सी हेल्थ रह गई है टाउन हॉल की। सो इसके ऊपर आई थिंक ये रेज नहीं, ये वाली कौन सी स्पेल होती है, अर्थक्वेक एंड लाइटनिंग से निकाल देंगे मेरे हिसाब से। अभी 4 लाइटनिंग बची है, सो इससे आ जाना चाहिए। अभी देखते हैं भाई कहाँ पर यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर 4 यूज़ कर दिया यार मैक्स हैं लाइटनिंग, सो इससे आ गया टाउन हॉल तो यार आ चुका है यहाँ पर। एंड 1 स्टार आ चुका है, एंड 2 स्टार के लिए भाई बेबीलोन से इजीली आ सकता है। बेबीलोन बहुत आसान होता है, 3-4 वेवी ड्रैगन डालो साइड साइड में, 2-2 लून डालो उनके पीछे। लून वेस्ट मत करना भाई, क्योंकि लून बहुत कम होते हैं, 8 इतने ही लून लेना यार, जो आर्मी है बिल्कुल ऐसी बनाना हो सके तो सही रहेगा। एंड यार आपको हेस्ट लेने की जरूरत नहीं है लून्स के लिए, क्योंकि ऐसे काम चल जाएगा। एंड यार यहाँ पर देख सकते हो वेवी ड्रैगन क्लीन अप कर रहे हैं 1 स्टार और के लिए, जिसे 2 स्टार आ जाए। 42% आ चुका है, सो अब देखते हैं कितना आता है वेवी ड्रैगन से। एंड 48% भी हो चुका है, एंड 2 स्टार भी आ गए यार, देख लो 2 स्टार आ चुके हैं इस वाली आर्मी से। एंड जो क्लीन अप बचेगा वो देखते हैं अब क्या यूज़ करेंगे इसमें। क्लीन अप के लिए विजार्ड्स वगैरह लिए हुए हैं एंड 1-2 अर्चर लिए हैं। एंड अभी लून्स स्टील बचे हुए हैं भाई के 8 लून्स, एंड बेबी ड्रैगन भी बचे हैं 2, सो देखते हैं कहाँ पर यूज़ करते हैं लून्स। और एक चीज़ और यार, अगर आपके डिजाइंस होते हैं वो रेज डालोगे जब उन पर आप, अगर वो टाउन हॉल के निकाल देते हैं सो आप जो आपकी लाइटनिंग बच जाएगी ना वो आप ए डिफेंस के ऊपर यूज़ कर देना, जिससे बेबी ड्रैगन को ज़्यादा दिक्कत ना हो। बेबी ड्रैगन क्योंकि कभी कभार मर जाते हैं अगर ए डिफेंस बाहर की साइड निकले होते हैं, सो उन पर यार आपको लाइटिंग तो यूज़ करनी ही पड़ेगी। पहले यार 1 स्टार तो श्योर कर लेना अपने, जिससे माइनस तो ना हो भाई, क्योंकि ये माइनस हो जाती है बहुत दिक्कत हो जाती है, मेरे को पता है लेजेंड में कितनी माइनस होती हैं। एंड यार यहाँ पर 63% आ चुका है, टाइम भी ख़त्म, एंड 63% है, 12 ट्रॉफी मिल गई हैं। आर्मी पूरी देख लेना बिल्कुल, यही हो सके तो बना देना। सीसी में जाइंट्स ही रखना और कुछ मत रखना, फिर बता रहा हूँ बॉलर्स वगैरह कोशिश मत करना, क्योंकि भाई अगर डबल जाइंट वो अब निकल गया तो बॉलर सारे गायब हैं। सो ये तो फर्स्ट रिप्ले एंड सेकंड रिप्ले भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर सेकंड रिप्ले शेयर कर रशीद भाई ने, उनका भी एक बार देख लेते हैं, ये भी टाउन हॉल 10 के लेजेंड है। एंड यार इनकी आर्मी एक बार देखे तो इनकी भी यार वेविलोन ही है, थोड़ी सी अलग है बस, उनकी जैसी अलग बग, इन्होंने जाइंट्स 5 लिए हैं एक्स्ट्रा, एंड स्पेल्स वगैरह सब सेम है, एंड लून्स भी 8 हैं, एंड बेबी ड्रैगन थोड़े से कम कर दिए इन्होंने, एंड बॉलर्स वही समझ लो। एंड सीसी में इन्होंने भी यार वही लिए हैं जाइंट्स, एंड 40-40 के हीरोज हैं, कुछ भाई के थोड़े से कम किए थे बट उन्होंने भी 2 स्टार इजी निकाल दिए थे। एंड ये भाई भी निकाल देंगे, सो यार देख लो कैसे निकालेंगे। एक चीज़ और यार, इसकी ए डिफेंस आप देख सकते हो भाई, अंदर की साइड है थोड़ा सा, नहीं अंदर भी है एंड इस साइड से बाहर भी है, सो एक बार देखते हैं कहाँ पर यूज़ करते हैं। पहले इन्होंने यार 2 बेबी ड्रैगन से फनल क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि हीरोज वगैरह अंदर चले जाएँ, एंड ग्राउंड अटैक से 1 स्टार तो ईजिली आ जाए।
यहाँ पर दो वे ड्रैगन फाइनल अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, एक तो मर चुका है साइड से एंड दूसरा वर्क कर रहा है उधर, एंड ये भी मरने वाला है। चलो एक टेस्ला और निकाल दिया, एंड इन्होंने पहले जेंट्स डाल दिए जो 5 लिए थे, एंड उसके बीच 6 सीज मशीन, एंड अब देखते हैं क्या डालते हैं। ये एक किंग डाला एंड क्वीन भी डाल दी यहाँ पर, एंड बॉलर्स थे वो भी डाल दिए, एंड जो पीछे सारे बॉलर्स बचे थे सारे डाल दिए एंड यहाँ पर, एंड यार बीच में है इसका घी का टसला। सो देखते हैं यार यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए अर्थ को एक डालनी पड़ेगी। यहाँ पर एक रेज डाल दी क्योंकि सीज मशीन खुलने वाली है तुरंत, एंड यार एक अर्थ को एक भी डाल दी जिससे एक्टिवेट हो जाए टाउन हॉल एंड जाइंट्स वगैरह एक्सपो पर ना चले जाएँ। सो यार यहाँ पर एक स्टार, चलो एक स्टार आ गया यहाँ पर जाइंट से आ गया, तो बहुत सही यार। एंड सीसी में इसके 2 ड्रैगन निकल गए मैक्स, ये दिक्कत कर सकते हैं यहाँ पर वेवी ड्रैगन को। एंड इसकी 4 लाइटनिंग स्पेल बची हुई है एंड एक अर्थ को एक भी बची है। सो अब देखते हैं कहाँ पर यूज़ करेंगे, आई थिंक एयर डिफेंस पर यूज़ करनी चाहिए। एंड यहाँ पर एक अर्चर डाल दिए जिससे थोड़ा भटक जाए ड्रैगन, एंड पीछे से भाई ने बेबी ड्रैगन डालने स्टार्ट कर दिए हैं, एंड लून भी डाल दिए 1-2, चलो लून डालने भी स्टार्ट कर दिया, एंड बेबी लून स्टार्ट कर दिया यार पीछे से पूरा। एंड यार यहाँ पर 2 ड्रैगन अभी बच्चे हैं, आई थिंक बेबी ड्रैगन को भाई मार देंगे, बट यार भाई यहाँ पर 2 स्टार की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं यार आते हैं नहीं आता, आई थिंक आना तो चाहिए यार क्योंकि अभी 4 स्पेल भी बची है लाइटनिंग वाली, एंड एक अर्थक्वेक भी बची है, एंड बेबी ड्रैगन अभी बहुत बचे हैं। सो आई थिंक आ जाना चाहिए यार अभी भाई, देखते हैं कहाँ पर यूज़ करेंगे लाइटनिंग स्पेल, अभी कुछ नहीं पता। ए डिफेंस पे भाई करें या ना करें कुछ पता नहीं, क्या पता ड्रैगन पे ही कर दें, सो अभी देखना पड़ेगा यार। यहाँ पर यूज़ कर दी गई है, 2 लाइटनिंग यूज़ कर दी है एंड अभी 2 स्पेल और बची लाइटनिंग वाली, सो अभी ये वाली देखते हैं कहाँ पर यूज़ करेंगे। बेबी ड्रैगन तो यार ऑलमोस्ट सारे मर चुके हैं, एंड यार यहाँ पर भाई ने ड्रैगन के आसपास यूज़ कर दिया, एंड अभी 2 लून बचे हैं एंड एक अर्थक्वेक बची है, सो अब ये भी देखते हैं कहाँ पर यूज़ करेंगे, बट इनसे कुछ होने नहीं वाला, आई थिंक नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, ड्रैगन तुरंत ख़त्म कर देंगे, नहीं हो पाएगा, गया भाई अटैक तो गया यहाँ पर, अर्थक्वेक एक बच गई, चलो कोई नहीं, बट फिर भी यार 2 स्टार तो आ गया 56% के साथ एंड 16 ट्रॉफी मिल गई जो कि बहुत अच्छी लेजेंड में। सो यार ये वाली आर्मी एक दो बार आप ट्राई जरूर से कर लेना, फ्रेंडली चैलेंज एक दो बार ट्राई कर लोगे ना तो कुछ भी नहीं है यार वाली आर्मी, बहुत ईजी लगेगी आपको। टाउन हॉल 12 से यार फ्रेंडली चैलेंज एक दो बार ट्राई कर लेना, सो ईजिली 2 स्टार आ जाएंगे। सो गाइस यही थी आज के लिए वीडियो, गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, मन नहीं कोई सवाल तो कमेंट पूछ लेना, गाइस अगर चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, क्योंकि यार यहाँ पर मैं कैसे कैसे वीडियो डालता रहता हूँ, सो बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।